बसमरमानीम अलैक्म वरमि वर्क़ कैसे हैं आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए आमीन सुमा आमीन तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं रेशमी शामी कबाब ये हमारे पास बीफ है हाँ हाफ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा है तो हम इसके बनाएंगे शामी कबाब ये कबाब हमने पहले भी ये रेसिपी अपलोड की थी लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनेंगे और इनको हम रेशमी शामी कबाब इसलिए कह रहे हैं कि ये ऊपर से देखने में रेशम की तरह से चमकदार होंगे और अंदर से भी रेशम की तरह सॉफ़्ट और मुलायम होंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं बहुत अच्छे तो हमने इसमें अभी अपनी पतीली चूल्हे पर चढ़ा दी है और उसमें हमने तकरीबन डेढ़ लीटर पानी शामिल कर लिया है एक जग एक जग भर कर हमने शामिल कर लिया है अगर हमें और ज़रूरत हुई तो हम और शामिल करेंगे हमने इसमें अपना बीफ ऐड कर दिया है पानी में शामिल कर दिया है तो हम आपको दिखाएंगे हम इसमें और क्या क्या शामिल करेंगे ये हमारे पास दो दरमियाने साइज़ के प्याज थे मीडियम साइज़ के वो हमने उसको ऐसे ही रफली काट लिया है और ये एक दो ढाई इंच का हमारे पास अदरक का टुकड़ा था तो हमने इसको धोकर अच्छी तरह से छील कर काट लिया है क्यूब्स में स्लाइस में काट लिया है तो अदरक इसमें ज़्यादा ही जलता है बीफ थोड़ा बादी होता है इसलिए अदरक का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल क्या करें और ये हमारे पास कुछ गरम मसाले हैं खड़े गरम मसाले हम आपको बता देते हैं एक तेज़ पत्ता है हमारे पास और तीन चार बड़ी इलायची हैं इनको हमने तोड़ के इसमें शामिल करेंगे और तीन ये हमारे पास दालचीनी के टुकड़े हैं और थोड़ा सा एक छोटी चम्मच हमारे पास काली मिर्च है और आठ दस लौंगे हैं और एक चम्मच हमारे पास ज़ीरा है तो ये सब हम इसमें शामिल करेंगे इसमें गरम मसाले अगर अच्छे से शामिल करते हैं ज़्यादा से तो ये इनके खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है और ये हमारे पास थोड़ी सी आ, साबुत मिर्चें हैं जितनी आप खाना चाहें आप उतनी डाल सकते हैं अपने हिसाब से ये हमारे पास तकरीबन पंद्रह सोलह होंगी थोड़ी छोटी बड़ी हैं इसलिए हमने ज़्यादा शामिल कर रहे हैं और ये हमारे पास तकरीबन डेढ़ टेबल स्पून धनिया है साबुत धनिया है ये हम इसमें शामिल करेंगे और एक चम्मच नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं तो हम बता रहे थे ना हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे इसलिए हमने इसमें साबुत धनिया भी शामिल किया है इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है कबाब के अंदर और प्याज इसलिए शामिल करते हैं कि हमारे कबाब अंदर से सॉफ्ट बने इसलिए प्याज हम बाद में भी शामिल करते हैं पीसने के बाद और पहले भी शामिल करते हैं तो ये ये बस हमने मसाला इतना शामिल कर लिया है इसमें अब हम इसको अच्छे से पकने के लिए रख देंगे तो थोड़ा हमारा हाफ़ डन हो जाएगा बीफ़ हमारा हाफ़ डन हो जाएगा तो फिर हम इसमें दाल शामिल करेंगे अभी हम इसमें थोड़ा पानी और शामिल कर रहे हैं क्योंकि जब बीफ गलेगा तो ये थोड़ा पानी कम हो जाएगा हमारा ये देखें हमारे पास तकरीबन डेढ़ पाओ के करीब दाल है आधा आधा किलो से ज़्यादा हमारे पास बीफ था और ये हमारे पास डेढ़ पाओ दाल है आप चाहें तो कम डालें या ज़्यादा डालें आपकी मर्जी दाल अगर कम करना चाहें तो आप एक पाव डाल सकते हैं तो ये हमने भिगो कर रख दी है दाल थोड़ा हमारा गोश्त गल जाएगा तो तभी हम इसमें दाल शामिल करेंगे ये हमारा थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं तो इसमें ये दाल हमने भिगो दी है और गोश्त को गलने के लिए रख दिया है गोश्त को हमने तकरीबन बीस मिनट के बाद हम खोल कर देख रहे हैं तो ये थोड़ा हमारे हमें लग रहा है कि गोश्त हमारा थोड़ा गल गया है थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं इसको चेक करके हाफ़ डन हमें लग रहा है गोश्त हमारा बस हमें इतना ही चाहिए अब हम इसमें अपनी दाल शामिल कर देते हैं हम इसमें दाल शामिल कर देंगे ताकि दाल के साथ भी गोश्त की बोटियाँ अच्छे से गल जाएंगी और दाल भी साथ में अच्छे से गल जाएगी बोटियाँ हमने छोटी छोटी कर ली थी तो ये बहुत जल्दी गल जाएंगी इन तो हम इसमें शामिल कर देते हैं दाल को शामिल करके हम इसमें इसको पकाएंगे थोड़ा पहले मीडियम आंच पर पकाएंगे फिर इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे जब ये बिल्कुल दम पे आने लगेगा ना तो उस वक्त हम इसको फ्लेम को स्लो करेंगे अभी हम इसको मीडियम आंच पर ही पकाएंगे ताकि गोश्त और दाल हमारा अच्छे से गल जाए बहुत मज़े के बनते हैं कबाब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप सभी बनाते हैं अपने घरों में लेकिन इस तरीके से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और बेल का आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो देखें तकरीबन दस से पंद्रह मिनट हमने और इसको पकाया था तो ये हमारा बिल्कुल डन हो गया है दाल भी हमारी बहुत अच्छे से गोश्त के अंदर मिक्स हो गई है ये पत्ता तेज पत्ता जो हमने डाला था उसको हम निकाल देंगे अभी हम इसको इसके साथ नहीं पीसेंगे तो ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गोश्त और दाल बिल्कुल एक जान हो गई है तो अब हम इसमें से आधा निकाल कर इसको पीस लेंगे आधा पीसेंगे आप चाहें तो चॉपर में पीसें या सिलबट्टे पर जैसे भी चाहें हमने आधा पीस लिया आधा हम ऐसे ही उठा कर रख देंगे फ्रीज़र में बाद में हम इसको पीस लेंगे तो अभी हम आपको दिखाते हैं ये हमारा पीस गया है तो ये दिखें माशाल्लाह इसमें अब क्या मिलाएंगे हम आपको दिखाएं थोड़ा सा हमने इसमें से अलग कर लिया है दो तो तीन कबाब का हमने अलग कर लिया वो हम आपको बताएंगे दूसरे तरीके से बताएंगे कैसे बनाते हैं दो तरीके से हमें आपको बनाना बता रहे हैं तो हमारे पास बारीक कटा हुआ प्याज है बड़े साइज़ का प्याज़ था इसको हमने बहुत बारीक सा चॉप कर लिया है जैसे कि ऑमलेट वगैरह में डालते हैं और ये हरा धनिया है हमारे पास थोड़ा हरा धनिया थोड़ा पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं कटी हुई दो तीन हरी मिर्चें हमने काट ली हैं बहुत बारीक बारीक चॉप की हैं और थोड़ा पुदीना और धनिया दोनों चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हम और हमने एक अंडा ले लिया है और ये हमारे पास थोड़े से ब्रेड क्रम्स हैं प्लेट में तो ये हम ब्रेड क्रम्स लगा कर अंडे के साथ इनको फ्रा फ्राई करेंगे शैलो फ्राई करेंगे तो हम आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसे इसके टिक्के बना लें हम आपको दिखाते हैं कैसे हम इसके टिक्के बनाएंगे अंडा हम फेंट लेते हैं एक अंडा हमारे पास हमने इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालकर इसको अच्छे से फेंट लिया है थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाला था और थोड़ा सा ही काली मिर्च डाली थी ब्रेड क्रम्स है हमारे पास इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और अपने कबाब बनाना शुरू कर देते हैं तो ये देखें थोड़ा सा जितना बड़ा आपको कबाब बनाना हो हमारे यहाँ ज़्यादा बड़े कबाब हम नहीं बनाते थोड़ा छोटे ही कबाब बनाते हैं तो ये देखें हमने कबाब बनाना शुरू कर दिया है हथेली पर अच्छी तरह से गोल करते रहें तो ये अच्छे से गोल बन जाते हैं कबाब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो तो अच्छे से कबाब बन जाते हैं ये देखें हमने इस तरह से हम एक सीधे हाथ से पहले हम इसमें अंडे में डिप करेंगे हमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है सीधे हाथ से हम अंडे में डिप करेंगे और उल्टे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ताकि हमारा अंडे वाला हाथ वो दुबा इसमें नहीं लगने पाए तो इसमें दोनों हाथों तो का इस्तेमाल होता है एक हाथ से अंडा लगाएं और दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स लगाएं तो इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्स की इस पर कोटिंग कर ली है ये बहुत अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी कबाब बनेंगे इस तरह से हम अपने ये सारे कबाब बना लेते हैं जितने हमें बनाने हैं इस बैटर में जितने भी कबाब बनेंगे हम बना लेते हैं तो ये देखें हमने इसमें बैटर में तकरीबन पाँच कबाब बनाए हैं और ये जो हमने अलग से निकाल के रखा था इसमें हम तीन कबाब बनाएंगे तो ये देखें हम कैसे बनाएंगे पहले हमने हाथ पे बैटर ले लिया है और उसको थोड़ा सा बीच में गड्ढा करा हमने और ये हमने जो काट के रखा था प्याज हरी मिर्चें हरा धनिया पुदीना उसको थोड़ा थोड़ा सा सबको एक जगह मिक्स कर लिया है अब हम ये बीच में रखेंगे इस बैटर के और इधर उधर से फोल्ड करेंगे थोड़ा सा ऊपर से भी बैटर लगाएंगे और इसको कबाब की शक्ल दे देंगे टिकिया बना लेंगे ऐसे कबाब की तो ये बहुत ज़बरदस्त ये भी लगते हैं ये देखें कुछ डिफरेंट तरीका हो गया है आप इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं इनको हम ब्रेड क्रम्स नहीं लगाएंगे इनको हम ऐसे ही अंडे में इनको अंडा लगाकर इसको ऐसे ही तलेंगे हम तो बहुत ज़बरदस्त कबाब बनते हैं आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत इन आप इन्जॉय करेंगे आपको बहुत पसंद आएंगे तो ये देखें अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे डीप फ्राई हम नहीं करेंगे पहले हमने कबाब बनाए थे तो हमने डीप फ्राई करे थे तो अभी ये हम शैलो फ्राई करेंगे इनको जितने हमारे फ्राई पैन में आ जाएंगे हम इतने ही इसमें शामिल करेंगे पांच आ गए हैं तो हम इनको अभी थोड़ी देर इनको नहीं छेड़ेंगे तकरीबन दो दो ढाई मिनट के बाद हम इनको पलट कर देखेंगे ये माशाल्लाह सुबहान ये देखें बहुत ज़बरदस्ता कलर आ गया है हमारे कबाब पर बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन गोल्डन ब्राउन हम इनको करेंगे बहुत ज़बरदस्त सा इन पर कलर आ रहा है और खुशबुएँ बहुत ज़बरदस्त आ रही हैं कबाब की तो पता है आपको तो कबाब बनते हैं तो दूर दूर तक तो खुशबुएँ फैलती हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आया है ऐसे ही हमें दोनों तरफ से इनको हमने अच्छा सा दूसरी तरफ से भी हम इनको इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे वो हमारे कबाब हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और ये जो हमने तीन कबाब बनाए थे फिलिंग अंदर करके इनको इनको भी हम ऐसे अंडा लगा कर तल लेते हैं आप ऐसे बनाएं या वैसे बने जैसे भी बनाएं आप बहुत अच्छे बनेंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबाब बने थे सबको बहुत पसंद आए थे और ये तो बना कर आप फ्रीज़र में रख लें कच्चे बनाकर जैसे आप रख लें इनको पीसे हुए थे तो बना कर रख लें और बाद में जब कभी भी दिल चाहे तो निकाल कर उनको ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबाब बने हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि हर आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहे ये देखें ऊपर से माशाल्लाह इनको रेशम कबाब इसीलिए कहते हैं ऊपर से ये रेशम की तरह चमकदार अंदर से रेशम की तरह सॉफ्ट और मुलायम अच्छा मुझा दीजिए अल्लाह हाफिज़